तो फिर गाइस स्वागत है आपका रिशु बाबू के अंदर वीडियो में। तो गाइस आज का व्लॉग देखते हैं फिर कैसा रहता है, हो सके तो पूरा इंटरेस्टिंग व्लॉग बनाएंगे आप लोगों के लिए। तो देखते हैं फिर आज हम लोग कॉलेज में क्या करते हैं, तो चलते हैं फिर कॉलेज में मिलते हैं आप लोगों से। ओके गाइस चलिए फिर कॉलेज में मिलते हैं। तो अभी कॉलेज में आज साफ सफाई चल रही है यहाँ पर, जैसे कि देख सकते हैं। हाँ ये उपरेती साफ सफाई कर रहा है, यहाँ जिगर भी साफ सफाई कर रहा है, सब वाइपिंग कर रहे हैं ग्लासेस। ये तरुण भाई अपना देखो गिलास सब गंदी हुई हैं, सब साफ सफाई हो रही है अभी। ये सब यहाँ बाहर में देखो, हेलो हेलो कर दो, हेलो कर दो सर, हेलो कर दो एक बार। ये यहाँ साफ सफाई कर रहे हैं बाहर में। और गड़गोड़ी जी हेलो कर दो एक बार। ये गड़गोड़ी जी हमारे बोतल हीरो है भाई, होली बहुत तगड़ी खेली हमने, बहुत तगड़ी वाली होली। ये देखो प्राक्ट प्रैक्टिस करने के लिए सर, सब खाली है। किसी के घर में होंगे तो मेरे को बताना, मैं घर में लेके आ दूंगा ना, यहाँ लगा दूंगा। गाइस अभी यहाँ पर देख लो, ये मैंने सेटअप करा है अभी, अच्छा लग रहा है ना, प्लीज़ कमेंट में बताना। ये टेबल सेटअप मेरा है करा हुआ। ये चोरी छुपे देखो जूस बना रहे हैं, स्ट्रॉबेरी क्रश। वाह अच्छा लग रहा है, फोटो खींच दूँ तेरी। अच्छा लग रहा है लेकिन पूरा ख़त्म कर दिया है सर, पीछे है छुप आराम से पी। ये हाँ आप बताओ, मैं आपकी वीडियो बना रहा हूँ। और बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग, बिकॉज टेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। टेंस नाउन्स एंड प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, एनी कोचिंग नथिंग विल बी देयर इन दिस लेक्चर्स। थैंक यू सर। अब आप मेरी वीडियो में कुछ कहना चाहोगे? वेरी नाइस वीडियो यू आर शोइंग, योर फोन इज सो नाइस एंड योर स्माइलिंग इज सो नाइस। थैंक यू सर, स्माइलिंग नाइस बोलता है। वेरी नाइस प्रैक्टिस चल रही है भाई साहब, वेरी नाइस। अरे हमारे सी आर साहब भी आ गए अब तो, ये लोग हैं ये डिस। तो गाइस अभी हमारा गेम कनेक्ट चल रहा है और ये लोग यहाँ लूडो खेल रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तू नहीं आ रहा है वैसे कैमरे में, ये यहाँ पर देखो गेम इसी का बड़ा। वैसे यहाँ पर मेरे नाम से कोई खेल रहा है, पता नहीं कौन है फिर। ये पांडू मतलब मिस्टर बीन नहीं, मिस्टर इंडिया दोनों बोल गई। अरे भाई गड़े। तो गाइस देखो हमारे ग्राउंड में पहुंच गया हूं मैं, अभी खेलने जा रहा हूं रोखड़ फुटबॉल। तो देख सकते हैं कितना अच्छा सीन लग रहा है यहाँ। तब मैंने कैमरा ऑन कर लिया दिखाने के लिए आप लोगों को। वाह ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी। ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी छुलबुली, करे जो छक जोरी क्यों ना। सूरज की किरणें आने दे मेरे नींद, अब चल जाने दे जो भी बीत। ओ जगे ताने पे ताने दे उनकी सुने ना। देखो सावन आए रे मन हंसाए मितवा, और सारी उम्र ना गवा दे मितवा। क्यों सोचे बादल भरे हैं जबकि वो तो रुके हैं, क्योंकि बारिश तो आनी है ना। ये देखो सब आ गए हैं, अभी प्लेयर आ ही नहीं रहे, बहुत कम आते हैं आजकल खेलने। ओरे वाह शानदार, बहुत बढ़िया यार, नया गोलची मिल गया। ये देखो गोल है, अंदर लाइन के अंदर टिप्पा खा गई थी। बहुत शानदार बाउट मार दी इस बार तो। देखा देख गोल तो अज्जू ही कर सकता है। और कैसा लग रहा है फील्ड में आके, आज बड़े दिनों बाद आ रहा है तू खेलने ना, दिखता तो नहीं है तू। क्रिकेट तो फिर तो क्या ही बोलूँ, क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट से कुछ होता है। सब तीन छक्के तूने खाए थे कर क्रिकेट में, याद है मुझे। हाँ तो गाइस ये मेरा बहुत अच्छा मित्र है, प्लीज सपोर्ट करें इसको, लाइक शेयर कमेंट दबा के ठोकिए। थैंक यू। देखो और इसको इस पे बिक गया पता है, ये क्या बोलते हैं नींबू चुटकारा बोलते हैं ना, इस पे बिक गया है इससे। ये देखो हाँ
अच्छा मार रहे वाह बहुत बढ़िया वाह वाह शानदार इतने दूर बुलाया वीडियो बनाने और ये देखो ऐसा कर रहे हैं हैं ये देखो पीछे भी कोल्ची लगाते हैं हम यार अच्छी रहन दो रे तुमसे ना हो पाएगा रे हंसा के रखा है ये था गोल। तो फिर गाइस जैसे कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि सीएम बन चुके हैं हमारे पुष्कर सिंह धामी जी। तो यार एक तरफ से उतना अच्छा भी नहीं लग रहा है क्योंकि 10 साल तक उनने राज तो करा वैसे कुछ करा तो नहीं यार। मैं सच्ची बोलता हूँ अपने बिरिया मुजोला में कुछ विकास दिखा दो जो उनने कराए उनने कुछ नहीं कराए। और जो मेरे मम्मी पापा हैं ना वो बीजेपी वाले हैं कट्टर बीजेपी वाले हैं तो उनका मैं रिएक्शन दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। बस देखते हैं उन लोगों को कैसी खुशी हो रही है। नीचे भी खाना वाना बना रही हूँ मम्मी दिखाते हैं आप लोगों को वो बहुत खुश हो रही है मम्मी पापा लोगों को दिखाते हैं आप लोगों को कि उनका रिएक्शन। तो देखते हैं चलो नीचे चलते हैं ओके गाइस। तो फिर मम्मी आज पुष्कर सिंह धामी जीत गए आपको कैसा लग रहा है? आप तो पुष्कर सिंह धामी के सपोर्ट में थे ना तभी तो बहुत खुशी हो रही है बेटा मेरे को है बहुत खुशी। मतलब ऐसा क्या खुशी हो रही है जो उसने ऐसा करा तुम्हारे लिए? बहुत कुछ कर रखा है हमारे क्या करा का नाम देख मैं अभी सुना था किसी ने खटी माँ का नाम अच्छा तो अब करेगा 2 महीने में उसने इतना कराया तो अब तो कितना करेगा। चलो देखते हैं तुम्हारा पुष्कर सिंह धामी कितना करता है क्योंकि तो हमारे भुवन कापड़ी जी तो कांग्रेस वाले हो गए हाँ इधर हाँ और MLA और देखते हैं पुष्कर सिंह धामी CM पहुँचाते हैं तुम्हारे लिए रुपये नहीं और अभी पापा का भी लेते हैं थोड़ा। बोलो आप जो असत्य में जी रहे थे आज तक हम अब सत्य में जिएंगे हम। अच्छा मतलब पुष्कर सिंह धामी अच्छा था हाँ 10 साल तक उसने कुछ करा। एक सैनिक का बेटा है वो है? सैनिक का बेटा है सत्य का बेटा है वो और भुवन कापड़ी गरीब का बेटा मतलब भुवन कापड़ी अच्छा नहीं है भुवन कापड़ी भी अच्छे है बेटा वो भी अपनी जगह अच्छा है हम ये नहीं कह रहे हैं ज्यादा ज्ञान है वही तो कह रही हूँ वो भी अपनी जगह अच्छा है ऐसा नहीं है लेकिन सरकार हमें बीजेपी की चाहिए कांग्रेस की नहीं चाहिए पता है ये तो बात तो है कांग्रेस की नहीं चाहिए सत्य में जीते सत्य की विजय होगी। चलो आप खाना खाओ यार आज देख रहे हो पुष्कर सिंह धामी जीता है मम्मी ने घर में खीर बना रही है यार। मतलब ये लोग कट्टर मतलब बीजेपी वाले थे और मैं थोड़ा मतलब एक तरफ से बीजेपी वाला मैं भी हूँ लेकिन हूँ भुवन कापड़ी के साइड क्योंकि वो बंदा अच्छा था ना यार क्योंकि 10 साल तक पुष्कर सिंह धामी ने कुछ करा नहीं पर हम देखना चाहते थे कि वो करता है नहीं करता है तब अब देखते हैं क्या होता है। दोनों एक कांग्रेस वाला हो गया हमारे वहाँ और एक बीजेपी वाला तो देखते हैं अब खटीमा का विकास होता है नहीं होता है पुष्कर सिंह धामी और कोई भी नहीं है धामी जी फिर भी अपने वो तो है वो तो करेंगे वो इनका भाई जन्मभूमि है वो तो करेंगे साफ सी बात है। चलो अभी यहाँ मम्मी रोटी वोटी बना रही है सब ये सब्जी उब्जी देखो इधर देख सकते हैं आप लोग। और पहले तो पुष्कर सिंह धामी को भी वैसे बधाई दे देते हैं क्योंकि यार CM बन चुके हैं हाँ उनको बहुत बहुत बधाई यार CM बनने की। और यहाँ मम्मी रोटी बना रही है खाना खाते हैं हम लोग फिर चलते हैं आपको दिखाते हैं। अब लास्ट वीडियो यही थी बस रिएक्शन लेना चाह रहा था मैं मम्मी पापा लोगों का। तो फिर गाइस आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और देखते हैं फिर आगे की वीडियो कैसी आती है आप लोगों से। तो मैं कोशिश ही कर रहा हूँ अच्छी अच्छी वीडियो और अब गर्मी भी आ गई है और चलते हैं फिर अब कमेंट चलते हैं कमेंट की वीडियो बनाएंगे आप लोगों के झरना वाटरफॉल। तो जो भी इस चैनल में नया है ना सब्सक्राइब कर लो ऐसे मज़ेदार वीडियो मिलेगी बहुत प्यारी जगह है वो देखोगे तो आप लोग भी चकरा जाओगे। तो चलेंगे हम जब भी चलेंगे ना संडे को चलते हैं नहीं तो कुछ ही दिन रह गए हैं तो वहाँ जाएंगे फिर दिखाते हैं आप लोगों को वहाँ क्या सीन शॉट गाइस। तो चलिए फिर।